दिन मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको अपने हर नए प्रोग्राम में बड़ी से बड़ी न्यूज सेलिब्रिटी से मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद है, बहुत अनथक मेहनत की उन्होंने, सुपरहिट फिल्म चूड़िया में बड़ा बेहतरीन दुनिया को खुश करने वाला किरदार। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अजहर रंगीला साहब, आज हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं और यकीनन हमारे नाज़रीन को आपका प्रोग्राम पसंद आएगा। आपको मोहब्बत है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आपसे किया वादा आज मैंने पूरा किया कि आप बैठ के गपशप होगी। तो बात ये कि सफर तो चल ही रहा है। अच्छा, मैं ना एक बात करूँगा आपसे, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में या पहले रेडियो में कैसे एंटर हुए और आपका शौक कैसे उजागर हुआ, क्या ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं? पहले मैंने सबसे पहले टीवी किया। अच्छा, टीवी पे ड्रामा था एनिकोला जी। अच्छा, मेरा पहला ड्रामा था हफीज ताहिर साहब, बड़े मोहसिन है, उन्होंने चांस दिया बेटी से। उसके बाद फिर मैं आ गया थिएटर पे, थिएटर पे ओपन एयर थिएटर ड्रामे हुआ करते थे। वो ओपन एयर थिएटर ड्रामे की कास्ट क्या होती थी, यानी कि फिरदौस जमाल, आरफा सिद्दीकी, अमान उल्ला साहब, खालिद बाटार साहब, क्या बात है जी, बड़े नाम है जी, बड़े प्यारे। ये उस शख्स ये पहाड़ी पे ओपन एयर थिएटर ड्रामे करते होते थे। तो वहाँ पे ड्रामा हो रहा था, एक मिर्जा रशीद अख्तर होते थे हमारे राइटर डायरेक्टर, अल्लाह पाक उन्हें मेरी किरिया में पा गए, उन्होंने मुझे चांस दिया ड्रामे। तो ड्रामे में मैं आ गया। अब टीवी से ड्रामे तक की बात है। अच्छा, अब ड्रामे से फिल्म में कैसे आया, वो ये हुआ कि मैं ड्रामे में रोल कर रहा था चौकीदार। अच्छा, तो इतना पता तो था नहीं, ना ही इतना बड़ा था, मैं बस मुनासिब सा था, मतलब 15-14 साल की उम्र थी। तो अच्छा, वो ड्रामे में जो रोल था ना चौकीदार का, तो रात को डाकू आते हैं। अच्छा, डाका मारने। जी जी। तो मैं उनको पकड़ लेता हूँ, बाकी तीन भाग जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हाथ में डांग होती है डंडा। अच्छा। ठीक है, वो एक दिन क्या किया, वो चार लड़कों में से ना वो एक लड़के ने वो डंडा मेरे हाथ से छीन गया, तो मेरे सर पे मार। अच्छा, और मेरा सर फट गया, वो निकलने लग गया। तो मैंने ये देखा, मैं रोने लग गया, मेरा सर फाड़ दिया। तो ड्रामे में ना जावेद हसन साहब हमारे, हाँ जी जावेद, बड़े अच्छे आला फनकार थे, बड़े आला इंसान। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, वो ड्रामे में ही हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा पुत्र चुप कर, जब मुझे पट्टी शट्टी करवाई उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है बेटा, ये लोग इधर ही फिरते रहेंगे, तुम फिल्म स्टार बनोगे, तुम्हें मैं फिल्म में लेके जाऊँगा। वाह वाह, क्या बात, बड़ी बात। उन्होंने मेरे से वादा किया कि मैं आपको स्टूडियो लेके जाऊँगा, फिल्म में काम करूँगा। अच्छा, मैं चुप कर गया। फिर वो मुझे पहली दफ़ा स्टूडियो लेके आए, और पहली जावेद हसन साहब, हाँ पहली दफ़ा ही मैं स्टूडियो आया, और पहली दफ़ा ही मैं एक पहली बार ही मैं कैमरे के सामने, तो पहला सीन ही मेरा जो था वो अल्लाह की रहमत से हो गया। अच्छा, उम्र आपकी 15-16 साल सिर्फ? जी। बड़ी टीनेज से आपने काम शुरू किया था? मतलब ये कि शौक था मुझे, जब मैं बीटी इंटर होता था ना, जी जी, तो छोटी सी खिड़की होती थी, तो वहाँ से मतलब हम बताते थे मैंने अंदर जाना है, फ्लां से मिलना है, अपना प्रोग्राम में जाना है। तो वो खिड़की जो थी ना मुझसे इतनी ऊंची थी, मैं ऐसे करके। अच्छा, तो ड्रामे में उस वक्त एक प्रोड्यूसर होते थे कंबर अली शाह। हाँ जी बिल्कुल, लव नगरी के ड्रामे है। तो वो ना वो मुझे कहते, जब मैं उनको कहता ना मुझे शाह जी चांस दें, मैं आपका बच्चा हूँ, तो आप मेरा ख्याल नहीं करते, तो उनका ना बेटा अभी मेरी बात सुन, तुम छोटे थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो फिर आप बचाओ, अभी देखो ना अरे ठीक से पूछे भी नहीं है। तो अच्छा जी, वाह वाह वाह, मैंने ना सेफ्टी ले ली। अच्छा, सेफ्टी ना मैंने मेरे ऐसे करूँगा ना पूछे बड़ी हो जाए, तो मैं रोजाना करते मुझे टक लग जाते। अच्छा, वहाँ तो थे नहीं, हाँ जी, जिसम था ये सारा मास लग जाए, हाँ वो लगता था, तो यहाँ टक यहाँ लग जाने। अच्छा, अब मैंने शीशे में देखना, अब तो मुझे शेव करने लगे, तो मैं आप ये ਕਨੋਏ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਹਾ ਵੇਖੋ ਤਰ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ
अच्छा जी, वो फिर चलते चलते यहाँ तक आए कि मुझे रैम्बो साहब पूछते हैं कि अपना मुझे कल सुन सालगिरह थी कितने मनावा हैं। अच्छा, तो वो ना कहना सी अच्छी सालगिरह उसे मनावा जिते दिन सौंदे ते रात जा। आए आए अब जब सीन शुरू हुआ ना, मैंने उस पहली फिल्म में पूरा गेटअप जो था ना बाबा जी का किया, यानी कि ट्रेंड करवाई हुई। अच्छा, और ऐनक लगाई हुई है, काली ऐनक लगाई। अच्छा। तो थोड़ा पूरा मतलब पूरी कोशिश की कि गेटअप, क्योंकि 50 नंबर तो गेटअप की हो जाती जी जी बिल्कुल। तो मैं पूरी तैयारी करके ना जी मुझे उन्होंने कहा कि जब वो डायलॉग मैंने शुरू किया ना, डायरेक्टर ने कहा साहब एक्शन जी, तो मैंने बोलना शुरू किया। अच्छा, तो रैम्बो भाई जो थे ना उन्होंने अपनी लाइनें छोड़ दी। अच्छा, तो अपनी लाइन नहीं बोल रहे और मुझे देखे जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे सालगिरह कितने मनावांगे, तो मैं देखा वो बोले नहीं रैम्बो भाई। मैं कहा मैं समझ गया कि असीं उत्थे मनावांगे जिथे दिन सौंदे ते रातां जागदियां। तो कहिंदे ओह कहिंदे इहदा मतलब है असीं सालगिरह उत्थे मनावांगे। मैं कहा हाँ उत्थे मनावांगे, ते नाले फज्जे दा शोरबा वी पीवांगे। कहा जा सकता है कि फिल्म स्टार रंगीला साहब आपके रूहानी स्टार हैं और आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, और आपका उनके अंदर से जो आर्टिस्ट था वो आपके अंदर मुंतकिल हुआ। अल्लाह, मतलब वो कहते होते थे कि जिस मिट्टी ने रब ने बनाया ना कुछ बच गई जी तेरी सुनाई। तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी में फिल्म चूड़ियां सैयद नूर साहब। हाँ जी, चूड़ियां फिल्म बड़ी सुपरहिट फिल्म थी और उसमें आपका बड़ा अच्छा काम था। 98 में रिलीज हुई, तो जब मैंने खर्चा के बताया बाबा जी फिल्म में मैंने काम किया वो बड़ी सुपर हिट हो गई है। अच्छा, वो बड़े खुश हुए तो मुझे 500 रुपया दिया। अच्छा, जाओ मिठाई लेके आओ और सबको खिलाओ, सबका मुंह मीठा करो। क्या बात, ठीक है। आपको पता है मैं आम लाइफ में बिल्कुल खामोश हूँ। जी जी, कैमरा जब ऑन होना है डायरेक्टर ने कहना है एक्शन, तो तब शायद मुझसे कुछ हो जाए, बड़ी बात है। वरना मैंने जबरदस्ती कभी कुछ करने की। अच्छा सर, कुछ हमारे नाजरीन को कोई फनी या कोई प्रोग्राम कोई दसो, उन्होंने कोई करके दिखाओ सर। वो फिल्म में जो भी याद आया कि वो ना एक जहाज जा रहा था। अच्छा, हवाई जहाज जा रहा था जी जी, पागलों को लेके ना दूसरे शहर। अच्छा, जहाज बुलंदी पे गया तो डोलने लग गया टो। अच्छा, कप्तान ने अगले के बंदे को कहा क्या पीछे जाकर की हो रहा है। अच्छा, अगले का बंदा आया तो देखा सारे पागल फुटबॉल खेल। अमले का बंदा कप्तान थोड़ी देर बाद जाके गर्मी बहुत सी, जो वजह ना एक डेढ़ का टाइम हो सीन से तैयार बैठा थोड़ा जा निकले साहब की गड्डी ना एक साइकिल। अच्छा, वो गड्डी खलो गए। अच्छा, तो
वो साइकिल लड्डू कह रहे नहीं ध्यान से चलाया करो, ये वो साइकिल टूट गई थोड़ी जी उन्होंने 2500 रुपया होना देता है साइकिल ठीक करा लेना। इन्हें रही शूटिंग की गड्डी पहुँच मैं भज के उतरिया थले मैं कोई शाह जी और सामने बल्ला ने धोने दिया मेरा सीन कर लो। अच्छा कहते देख रहे गाड़ी में साइकिल लगी है तो मैं अपने सीन की पड़ी है। अच्छा साइमा बेगम कहते चलो जो होना तो हो गया सीन तो उसका फिर मैंने कहते ने बहुत जिद की है तंग की है। अच्छा अगर तुमने टेक दी प्रतिष्ठा अच्छा ठीक है सीन ना बोलना मैं करता अच्छा। चलो टेक उन्होंने आपे कैमरा अच्छा अपने आप आया अपनी गड्डी जो मैड कढ़ के बल्ला दे विच उतिया उते लेट गए कैमरा खुद ही ऑपरेट कर रहे क्या बात है क्या कहंदे आओ जी एक्शन। अच्छा मैं उतो आ कह रहा और दुआने हो तुसी वड्डे क्यों नहीं हुंदे जे अच्छा तो कर भी मैडा छड़ गया था लक्ष्मी जी हो ओ वड्डे कदों आवोगे वड्डा तोड़ना कितने मिलेगा ओ जुत्ती हो जाएगा। वाह 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 क्या बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है तो बहुत अच्छा लगा यकीनन आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं आपकी दुआओं के मुंतजिर हैं अल्लाह आपको भी खुश रखे। मेरी आप सबसे गुजारिश है सईद भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया यकीनन नाजरीन आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त सईद बस और आप देख रहे थे सोशल न्यूज 23। अल्लाह हाफिज़।